पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो काफ़ी रिक्वेस्टेड है, काफ़ी जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछते हैं, तो मैं अक्सर उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूँ वो काफ़ी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इस पर वीडियो बनाइए प्लीज़, तो मैं उनको आंसर नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये है बेबी बॉय के ऊपर, लेकिन मेरे पास बेबी गर्ल है। आप सभी जानते हैं मेरी बेटी है नव्या है, तो जो वीडियो थी वो किसके ऊपर थी वो मैं बताती हूँ कि जो बेबी की जो शुशु होती है उसको कैसे खोलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बेबी बॉय की जो शुशु की ऊपर की जो स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, उसे खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो सबसे पहले मेरे उन फ्रेंड्स को सॉरी कि मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझसे ये जानना चाहते हैं, तो मैंने इस पर होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब वो होमवर्क मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी एल्डर सिस्टर हैं, उनकी बेबी बॉय हुआ है एंड वो 4 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उनके पास गई कुछ मैंने कम से कम दो तीन हफ्ते वहाँ पर मैंने अपनी दीदी के साथ बिताए और वो किस तरीके से अपनी बेबी के साथ ये सारी चीज़ें करती हैं, लाइव चीज़ें देखी समझी मैंने, तब जाकर सारी चीज़ एनालिसिस करके अब मुझे लगा कि हाँ मैं अब प्रिपेयर हूँ वीडियो बनाने के लिए, तब आज मैं आपके सामने ये वीडियो बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ, जो आपने मुझसे पूछा है उसका आंसर मैं दे पाऊँ और आपको वो यूज़फुल रहे। तो डियर पेरेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं जो बेबी बॉय की सुसु की जो ऊपर की स्किन खोलते हैं उस प्रोसेस को हम फिमोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिमोसिस ये प्रोसेस कहलाती है। तो जो बेबी की सुसु होती है उसके ऊपर एक फोर स्किन होती है, ठीक है, एक लेयर होती है स्किन की जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है, वो बच्चों की जो कवर रहती है, ठीक है। अब उसको हम कैसे ओपन करें इसकी बात हम करते हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी किसी हॉस्पिटल में जो नर्स होती हैं वो उसको हल्का सा खोल देती हैं और घर आने के बाद जब डेली उसकी साफ़ सफाई होती है तो वो नेचुरली धीरे 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 अपने आप खुलती जाती है, अगर आप उसको बराबर उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, रख रखाव उसका कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि बच्चे की जो फोर स्किन है वो खुल नहीं पाती और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तब तक भी नहीं खुलती है। देखिए पेरेंट्स, कि जो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही नेचुरली 1-2 साल तक खुल जाती है, लेकिन किसी किसी बच्चों की वो नहीं खुलती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको डेली क्या करना है। आपका बेबी बॉय है, आप बच्चे को डेली बात देती हैं, नहलाती हैं, तो आपको क्या करना है कि जो सपोज़ ये बच्चे की सुसु है आप उसको हल्का हल्का सा पुश करेंगे, हल्का हल्का सा। देखिए, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और हल्की सी लेयर से वो चिपकी हुई होती है, अगर आप उसको टाइटली और प्रेशर करके एकदम नीचे करने की कोशिश करोगे तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी बेबी की और बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आपको धीरे धीरे नीचे पुश करना है, धीरे धीरे, और एक दिन में ही नहीं करना, आपको डेली ये करना है। बच्चों को नहलाते समय हल्का हल्का आप उसको पुश करोगे और किसी भी मग में आप पानी लेके उस पर धार बांध कर पानी गिराओगे, ठीक है ना। बेबी को आप लिटा लो अपने पास कंफर्टेबली, फिर तो उसकी सुसु की स्किन नीचे करो हल्का सा और धार बांध के आप पानी गिराओ, तो जिससे क्या होगा, जो भी जो स्किन में गंदगी इकट्ठी हो जाती है वो निकल जाएगी और स्किन पर जो धार पड़ेगी तो वो धीरे धीरे नीचे होगी। आप उसे हल्का से नीचे करिए और ऊपर करिए, नीचे करिए ऊपर करिए, तो हल्का आप अप एंड डाउन आप डेली करेंगे तो वो आराम से खुलेगी, ठीक है। होता क्या है कि जब आप उसको क्या करोगे, अगर आप डेली क्लीन नहीं करोगे बच्चे को या उस पर पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, जब बच्चा सुसु करेगा तो उसे यूरिन पास करने में दिक्कत होगी और जो फोर स्किन होती है बच्चे की उसके अंदर वाइट वाइट कलर की गंदगी एग जैसे जमा हो जाती है।
रेगुलर बेस पर सफाई नहीं करने की वजह से क्या होगा कि स्किन के अंदर वाइट वाइट अंडे से जमा हो जाएंगे और वो अलग से उभरे हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, गंदगी तो जमा हो रही है, बच्चे को यूरिन पास करने में भी दिक्कत होगी, स्किन ऊपर नीचे नहीं होगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप डेली डेली इस तरीके से करेंगे तो वो गंदगी जो डेली जमा हो जाती है वो बच्चे की निकल जाएगी और स्किन जो है वो खुलने में, आपको जो बेबी की फोर स्किन है वो खुलने में आसानी रहेगी। तो जैसे जैसे बच्चा वन एंड टू ईयर्स क्रॉस करता है वो स्किन अपने आप फोर स्किन नीचे अप एंड डाउन होने लग जाती है और वो लेयर जो कि जुड़ी हुई होती है वो अपने आप ही नेचुरली वहाँ से हट जाती है, ठीक है ना। और आपको पानी डालने के बाद अच्छे से उसको कॉटन से आपको वो पोंछनी भी है, जैसे आपने धार डालकर पानी डाला, आपने बच्चे को नहला लिया, नहलाने के बाद आप उसको अच्छे से पोंछने के बाद बेबी के जो सुसु वाले एरिया को अच्छे से कॉटन से या कॉटन का कपड़ा ले लें, वो ले लें बेटर रहेगा, उसे अच्छे से पोंछे और हल्का सा गुनगुना तेल, बिल्कुल लाइट गुनगुना तेल आपको सरसों का उसमें डाल देना है, हल्का डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, फुल लाइट या उंगली से ही आप अच्छे से उसको कवरअप कर दें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि बच्चे की स्किन मतलब स्क्रैच नहीं होगी, खिंची खिंची सी महसूस नहीं होगी, एक लुब्रिकेट वहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे इन कंडीशन, अगर आपका बच्चा 3 एंड 4 ईयर्स कंप्लीट करने पर है लेकिन सुसु की जो फोर स्किन खुल नहीं रही है, तो आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से फर्ट नहीं करनी है, या तो वो जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस से वो खुल जाएगी नेचुरली, अगर फिर भी नहीं खुलती है तो आपको अपनी तरफ से जोर नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगर उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो बेबी को बहुत ज़्यादा हार्म होगा, बेबी की स्किन वहाँ से टूट जाएगी या कट जाएगी और बेबी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और इन्फेक्शन हो जाएंगे, प्लस यूरिन करने में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में आप एक छोटा सा ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, आप सारी प्रॉब्लम अपने डॉक्टर को बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक बहुत हल्का सा जो जो स्किन जुड़ी हुई होती है फोर स्किन हल्की से जुड़ी होती है वहाँ पर वो हल्का सा कट लगा के उसको वहाँ से वो हटा देते हैं, ठीक है। और जो भी कुछ दिन का, सिर्फ 2-3 दिन का ही कुछ ट्रीटमेंट होता है और उससे वो स्किन हट जाती है फोर स्किन और बेबी की वो ऊपर नीचे आराम से होने लगती है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी तरफ से उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस उसकी साफ़ सफाई रखनी है और बराबर चेक करते रहना है कि कहीं वो पक तो नहीं रही है, कहीं उसमें कहीं मवार टाइप का तो नहीं कुछ पड़ गया है या पस तो नहीं पड़ गया है, ये सब चीज़ आपको चेक करती रहनी है। उसको सूखा रखना है, साफ़ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बेबी की सुसु की ऊपर की फोर स्किन को हटा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आपका बच्चा छोटा है तो आपको धीरे धीरे आपको डेली पानी की धार डालनी है, पानी की धार डालने से वो अपने आप प्रेशर से नीचे होती जाती है और हल्का सा ऑयलिंग करना है जिससे वो लुब्रिकेट होती रहे, ठीक है। ये आपको करना है तो वो 99% तो बच्चे की अपने आप ही हट जाती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ ही परसेंट ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो अपने आप ही हट जाती है। लेकिन आप को ध्यान देना है कि ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3-4 ईयर्स हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ खुद कुछ ना करें, डॉक्टर के पास ले जाएं। तो डियर पेरेंट्स, इस तरीके से आप अपनी बेबी की सुसु की फोर स्किन को हटा सकती हैं। तो डियर पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आपको ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो डियर पेरेंट्स, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।